वरिष्ठ दीवानी न्यायालय स्तर दीवानी न्यायालय सावनेर के तालुका विधि सेवा समिति की ओर से महालोक न्यायालय का आयोजन 3 मार्च 2024 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 3,642 मामले आपसी रजामंदी से सुलझाने हेतु रखे गए थे, जिसमें 674 मामलों में दोनों पक्षों द्वारा सुलह कर सुलझाए गए। लोक अदालत में सुबह से ही पक्षकार एवं वकीलों में मामले आपसी सहमत से निपटाने में उत्सुकता देखी गई। इस भव्य लोक अदालत की शुरुआत ऐसे सरदार दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सावनेर SR भरत, सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सावनेर RP कुलकर्णी, द्वितीय सह दीवानी न्यायाधीश एडवोकेट पल्लवीताई मुलबुले, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सावनेर आदि की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे हेतु पैनल गठित किए गए थे, जिसमें न्यायाधीश SA सरदार अध्यक्ष तथा एडवोकेट चंद्रकांत पिसई तथा एडवोकेट AY निंबाळकर सदस्य के सहयोग से दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर के मामले तो वही कनिष्ठ स्तर के दोनों पक्षों की रजामंदी से लगभग 674 मामलों के निपटारे किए। 3 मार्च 2024 को संपन्न इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु एडवोकेट मनोज खंगारी, एडवोकेट भोजराज सोनकुसरे, एडवोकेट श्रीकांत पांडे, एडवोकेट शैलेश जैन, एडवोकेट माहेश्वरी, एडवोकेट शर्मा, एडवोकेट पुरे, एडवोकेट विजय मेटकर, एडवोकेट बांद्रे, एडवोकेट गोंदुले, एडवोकेट माधुरी खंगारी, एडवोकेट सारिका तांबटकर आदि ने परिश्रम लिए। इस अवसर पर SA सरदार न्यायाधीश वरिष्ठ दीवानी सर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी में आपसी सुलह कर मामलों का निपटारा होने से उनसे आपसी संबंध अच्छे रहते तथा इसका सकारात्मक प्रभाव उनके आपसी संबंधों पर होकर संबंध मधुर होने में सहायक होते हैं, साथ ही उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने से निजात भी मिल जाती है। मालोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां ना कोई एक हारता है ना कोई एक जीतता है, इसमें दोनों पक्षों की जीत होकर संबंध में आई खटास दूर होकर आपसी सद्भाव भी बढ़ता है। आज भी ऐसे अनेक मामलों का निपटारा किया गया जिसमें छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में अनबन होकर मामला अदालत पहुंचा था, जिसे दोनों पक्षों ने रजामंदी के साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया, जिन्हें न्यायाधीश SA सरदार सावनेर बार एसोसिएशन की अध्यक्ष एडवोकेट पल्लवीताई मुलबुले आदि ने दोनों पति पत्नी को पुष्पगुच्छ देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ऐसे विचार व्यक्त कर वादी प्रतिवादी ने न्यायालय में प्रलंबित अपने न्याय प्रविष्ट मामले महालोक अदालत में रख उनका निपटारा करें ताकि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसा निवेदन किया। वहीं इस महालोक अदालत में बैंक पद संस्था, नगर पालिका के बकाया घर तथा पानी पट्टी टैक्स व कर्जदारों के बीच आपसी निपटारे में कुल 55,04,998 रुपए की रिकॉर्ड वसूली होकर मामलों का निपटारा हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ दीवानी न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय सावनेर के RD चिमोटे, SA मिसार, AV सोलंकी, PK झोड़ापे, UP शिराल, PL पवार आदि सह कर्मचारी अधिकारियों ने सहभाग लिया। देखो, हर घर में मियां बीवी के झगड़े जो है वो होते हैं, तो मैं सब पक्षकार और जनता से यही कहूंगा कि जहां तक तुम्हारे झगड़े है वो घर के अंदर रहे तो बहुत ही अच्छा है। आज हमारे सामने एक जुर्मर का झगड़ा था, तो उन्होंने आपस में अपना समेट करके आज ये यहाँ से लोक न्यायालय के दिन और गजानन महाराज प्रकट दिन के अवसर पर, यानी कि दुग्ध शर्करा आयोग है, यहाँ से वो अपने जीवन की फिर से शुरुआत करने वाले हैं और हम भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पैनल हेड, मैं वो दोनों को भी उनके फ्यूचर लाइफ के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ और वो अपना अच्छे से जीवन बसार करें, ये मैं उनसे चाहता हूँ। बात ऐसे है कि जब कोर्ट में दो पार्टी आई है तो उसमें से एक पार्टी जीतने वाली है तो दूसरी पार्टी हरेगी। यदि दोनों लोग ही आपस में बैठ के अपना अपना यदि वो सुलझा लेते हैं तो आगे बढ़ने वाली जो दुश्मनी है वो दुश्मनी भी कम हो जाएंगी, और दूसरी बात ये कि तीसरे आदमी ने उनके निर्णय करने के बजाय वो अपना खुद अपना निर्णय कर सकते हैं। इसलिए मैं सब पब्लिक को यही कहूँगा कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्यूट जो है, जो झगड़े जो है, जो केसेज जो है, वो आपस में निपटाए। मियाँ बीबी का जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक होता है, तो शुरुआती दौर में ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की। छोटी छोटी बात पर मनमुटाव हो जाते हैं और
कई बार बेवजह बोलो यानी कोई बड़ा मुद्दा न रहते हुए एक दूसरे की खिलाफत इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे से संबंध विच्छेद करने के स्तर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ में हुआ। हमारे मित्र है भोजराज जी सोनकुसरे, वो मंगेश के वकील थे। हम लोग इन दोनों को बैठा ला, हम ये चाहते थे कि बिछड़ने की जगह भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनका जीवन जो है, इनको एक बच्ची है, पर एक बच्ची का भविष्य देखते हुए इन लोगों को जब समझाया गया, कोर्ट विद्यमान सरदार साहब इन्होंने भी पहल की और समझाया, इन्होंने इस बात को समझा है कि आपसी मन मुटाव और आपसी अहंकार एक दूसरे के प्रति करने की जगह भी दोनों मिलकर रहते हैं तो घर परिवार अच्छे से चल सकता है, बच्ची का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है। और इसलिए लोक न्यायालय का फायदा लेते हुए इन लोगों ने अपने जो संबंध है एक दूसरे के प्रति अब अच्छे रखकर, एक दूसरे का ध्यान रखकर रहने का फैसला किया है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ और उनके आगे के संसार के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन से हम बंधे हुए हैं। जब भी हमारे पास मैट्रिमोनियल मैटर आते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ सोचते हैं कि भाई दोनों का घर कैसा बसे, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से अच्छे रहे, ये प्रयास हम सबसे पहले करते रहते हैं। और जब हमारे पास अगर हस्बैंड आता है या फिर वाइफ आती है तो उसको हम पहले यही सुझाव देते हैं कि भाई ये कोर्ट कचहरी करने से कुछ नहीं है, तुम आपस में समझ लो। और इसी तरह से हमने जो प्रयास किया, दोनों को बैठा ला, हमारे मित्र जैन साहब मैं बोला दोनों को अपन ने एक कर लेना चाहिए, तो अपन इनको दोनों को बैठा लेते हैं। दोनों को बैठा के इनका सुना दोनों का सुनने के बाद हमको ऐसा लगा कि इनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और इसी तरह से हमने इनको समझाने के बाद हम ये नतीजे पे पहुँचे कि इनको समझा कि अपन ने इनको एक कर लेना चाहिए। वही आज लोक न्यायालय में जो केस रखा था, वही साहब ने, हम दोनों ने मिलके इनका जो मैटर सुलझाया और इनका आपस में हो गया और इनको आगे के भविष्य इनका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हम आज गजानन महाराज का प्रकट दिन है, इसके लिए आज हम इनको हमारी शुभकामनाएं भी देती है और बधाई भी देती है। NBC न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।